देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ लोग रहते हैं यहाँ बड़े तैदाद में लोग रहते हैं तो मतलब अभी जो बात हो रही है मतलब डेवलपिंग की डेवलप होनी चाहिए पहलगाम ठीक है मानते हैं हम बहुत बदलाव आया है कुछ किसी हद तक डेवलप भी हुआ है जो डिग्री कॉलेज का मसला है वो होना चाहिए पहलगाम में सर बाकी तो तकरीबन एजुकेशन ठीक ही चल रहा है अभी तक के जो दौर की जो एजुकेशन है उसके हिसाब से कहीं पर भी वो नहीं है किसी को बेसबब शहरत नहीं मिलती ए किसी को बेसबब शहरत नहीं मिलती ए वईद उन्हीं के नाम है दुनिया में जिनके काम है अच्छे आदाब नाजरीन आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूबरू और मैं हूँ प्रोग्राम के होस्ट यास्मीन मंजूर नाजरीन हमने जाना यहाँ के आवाम के क्या कुछ मुतालबात है और क्या तो है इनकी हुकूमत से तो आइए नाजरीन अब जानते हैं यहाँ की तमीर और तरक्की को लेकर बात करेंगे यहाँ के एजुकेशन पर और जानेंगे क्या कुछ मसाइल हैं इनके देखिए पहलगाम एक खाली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ लोग रहते हैं यहाँ बड़े तैदाद में लोग रहते हैं 2020 जो एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है इसके माध्यम से मैं ये कहूँ कि आजकल बच्चों को जो एनवामेंट स्कूल में मिल रहा है हमारा यहाँ हॉस्पिटल जो है वो 24 फोर आवर्स चलता है हमारे पास वन की सहूलियत है टॉयलेट नहीं होती थी स्कूल में खुले में बच्चों को पढ़ाना पड़ता था लेकिन आज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है हर एक मतलब फैसिलिटी है हमारे अनंतनाग में अभी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमें अगर हमें कोई अच्छी वो उतनी सी प्रॉब्लम हो कि हमें श्रीनगर जाना पड़ता है चेंजेस ला रही है डिपार्टमेंट जैसे आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थे ओ गवर्नमेंट ने उनको भी सब बच्चों को अब रे स्कूल में किया है इट्स अ बेटर वो जो टेररिज्म का मसला था वो भी अब थोड़ा थोड़ा क्लियर होने लगा अब टूरिस्ट भी आते हैं क्योंकि इस बार जो टूरिस्ट आए अभी तक मैंने भी कभी देखे नहीं है काफ़ी हद से ज्यादा रहे जनरल पब्लिक को यानी कि गाँव के आदमी को सेक्ट्रेट श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसकी हुकूमत उसके गाँव में है ये तो सबसे बहुत बड़ा ये है नाजरीन बात करेंगे यहाँ के हेल्थ सेक्टर को लेकर तो आइए नाजरीन इनसे जानेंगे किस हद तक तरक्की कर रहा है यहाँ का हेल्थ सेक्टर सेवेंटी uh, फाइव ईयर के बाद जब से आज़ादी की हम बात करें मुल्क की तो सेवेंटी फाइव ईयर के बाद हमें हॉस्पिटल मिला बहुत मेहनत मशक्कत करके और इसी रिजीम में मिला ये बहुत बड़ी बात है लेकिन उसके साथ साथ अगर हम देखें उस हॉस्पिटल में जो पोस्ट सेंक्शन करवाने थे अभी तक शायद उस तरह से नहीं हुए जो पहलगाम की मैं बात कर रहा हूँ पहलगाम का हॉस्पिटल जो चल रहा है और बन रहा है उसका रफ्तार भी बड़ा सुस्त है ये भी कहूँ लेकिन उसके बावजूद भी उसमें काफ़ी काम हो रहा है ये भी मैं मानता हूँ क्योंकि दो चीज़ें होती हैं अगर हम दो प्रॉस्पेक्टिव को हम देखते हैं कि जहाँ पे चीज़ें अच्छे हो उनको भी हम हाईलाइट करें और जहाँ पे ना हो उसकी बात करें लेकिन डॉक्टर्स जिस तरह से होने चाहिए थे जिस तरह से पहलगाम में आ, मेडिकल स्टाफ या स्टाफ होना चाहिए डॉक्टर्स होने चाहिए उस तरह से अभी नहीं है लेकिन उम्मीद करेंगे उसमें आ जाएंगे आने वाले वक्त में और उसके साथ साथ जो पूरे इस सब डिवीजन में हॉस्पिटल्स है वहाँ पर उस तरह से स्टाफ नहीं है जिस तरह से होना चाहिए जैसे हम अश्मकाम की बात करें जैसे हम बटकूट की बात करें जैसे हम ओवरा की बात करें विरसरन की बात करें पूरे इस रीजन की बात करें सीर में हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे स्टाफ ठीक ठाक है इवन सलर में भी थोड़ा सा ठीक है लेकिन बाकी जगहों पे उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए और उम्मीद करेंगे कि ये बेहतर अब बात करेंगे स्पोर्ट्स को लेकर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज का कैसा रुझान है पहलगाम में जी गवर्नमेंट जो है हमारे एल गवर्नमेंट जो है पहले से जब से ये है तो ये इनिशियटिव ले रही है कि हर गाँव हर शहर में एक स्पोर्ट्स जो है स्टेडियम होना चाहिए ताकि बच्चों को ये जो है एजुकेशन के साथ साथ फ़िज़िकल एजुकेशन की भी की तरफ भी रागब किया जाए इससे क्या होता है कि ये जो जो बच्चों के पास जो सुपेर टाइम होता है वो इस फिज़िकल एजुकेशन की तरफ ये दे देते हैं और उनके पास जो है आवारा गर्दी का टाइम नहीं मिलता है लेकिन ये जो है हर किसी गांव में ये यहाँ हर किसी शहर में यहाँ पर जो है वो बेसिक जो है जो चिल्ड्रन पार्क होने चाहिए अगर टाउन में है लेकिन गांव में नहीं है ये सब जो है हर किसी गांव में ये जो है बनाने चाहिए ताकि जो बच्चे हैं अपने सुपेयर टाइम जो है ये उनमें गुजार सके और दूसरा है कि जो जो है जो बच्चे भी जो है जो नेशनल नेशनल लेवल पर उसमें तो नेशनल गेमों पर भी हिस्सा ले सकें जबकि जैसे कि यहाँ पर भी जो है ये जो है बेसिक सिस्टम ना होने के बावजूद भी हमारे पहलगाम के कुछ बच्चे जो है नेशनल लेवल पे अभी क्रिकेट खेल रहे हैं अगर यहाँ पर जो है और भी इसका जो है सिस्टम ये अच्छा हो जाता तो और भी बच्चे जो है इसकी तरफ रागिब हो जाते हैं अगर सपोर्ट्स पे कत करो कि गौरमेंट तुलन जबरदस्त कदम सपोर्ट्स पे मगर मसल

तरीकस पे तुम आठ सून तमि पूान कह खर कौटसम ग्राउंड दुम पलगाम मज ग ग ग्र्राउु दुम पं तम ग्राउंड खबर कचन र पूान कह म एडमसट्रेषन की असल आडमस्ट्रेटर आला वो अगर आगर अं एडमसट्रट्रेटर बड़ असल सन्जीद आयस मा कि सपोर्ट्स तरमेंटन ये कदम तुल ਸੋ ਐਸੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਸਲ ਵਨ ਚ ਅਤ ਬਾਰਸ ਮੰ ਲਜੀ ਸਭ ਵਨਨ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਰੇ ਚੇਂਜ ਐ ਇਨਪੇਟੈਂਸੀ ਜ਼ ਤਰੇ ਵਰੀ ਹਤ ਗਈ ਵਾਰੇ ਚੇਂਜ ਐ ਬੱਚ ਲੋਗ ਅਸ ਮਣ ਪੜਨ ਕਰਨ ਅਸਲ ਪੜਨ ਇਨਪੇਟੈਂਸ ਪੰਜ ਸਰਪੰਚ ਜਿਮ ਚ ਗਸਨ ਸੋ ਕੁੱਲਨ ਮੰ ਮਾਸਟਰ ਪ੍ਰੈਸਨ ਯਮਨ ਬਾਚਨ ਚਾ ਤੋ ਵਾਤਨ ਕਰਨ ਪੜਨਾ ਵਨ ਅਸਲ ਪੜਨ ਚੇਂਜ ਜ਼ ਵਾਰੇ मुझे लगता है अगर दिन बा दिन हम जो कोशिश पिछले तीन साल से हुई है अगर ऐसे ही चलेगा तो इन हम बिल्कुल हर सिस्टम को चेंज करके बहुत अच्छा कर सकते हैं जितनी डेवलपमेंट तीन साल में है उतनी मुझे लगता है सौ साल में नहीं हुई तीन साल में बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई लेकिन मेरा एक ही मैं ये बोलना मैं चाहता हूँ कि सिस्टम थोड़ा और अच्छा हो जाए जैसे कुछ किसी डिपार्टमेंट की, की तरफ से कोई लापरवाही या कुछ ये वो उसमें सिस्टम अगर कुछ आड़े आ जाए जैसे अभी हमने अभी बोला कि यहाँ पहलगाम में कौन कुर्सी दिखते हैं ये चीज़ें आड़े आती बाकी के हिसाब से गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे लगता है बहुत अच्छा हो रहा है जो डेवलपमेंट यहाँ की हो रही है पहले जो जितने लगभग पचास साल से जो यहाँ की डेवलप हो रही थी ये तीन साल में तो बिल्कुल आपको डिफरेंस हंड्रेड परसेंट आपको डिफरेंस मिल जाएगी और इसमें जो है और भी ज़्यादा यानी कि बहुत गुंजाइश है और सब और सब करने की समझ लीजिए कि अभी अगर हम 60-70 परसेंट पर है इसको 100 परसेंट पर लाने के लिए भी हमें कोशिश करनी चाहिए लेकिन अब ये कहेंगे आपको कि जो पिछले 45-40 साल से जो जो काम हो रहा था मुझे लगता है कि ये तीन चार साल में तो बहुत उससे भी ज़्यादा ये काम यहाँ पर यहाँ पर डेवलपमेंट हो गई है जो हम हेल्थ हेल्थ सिस्टम की बात करते हैं तो जो एक बहुत ही अच्छा साइन या जो बहुत एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है रिसेंटली वो एशंस ऑफ गोल्डन कार्ड्स क्योंकि इससे पहले जो एक गरीब बंदा होता था अगर वो बीमार पड़ता था तो उसके लिए इलाज के लिए उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे तो जो इस रीसेंट गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है जो गोल्डन कार्ड्स इशू हुए उससे क्या हुआ है कि एक गरीब आदमी ने भी अपना इलाज मुमकिन हो सका बेहतर हो सका वो भी अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जा सकता है जो उसके अगर कोई उसकी ऑपरेशन होता है या क्या वो ख़र्चा नहीं उठा रहा होता था उसके पास उतने पैसे नहीं होते थे आज अब क्या हो रहा है कि वो गोल्डन कार्ड की वजह से अब वो वो फैसिलिटी अवेल कर सकता है वो अपना इलाज बेहतर कर सकता है देखिए पहलगाम में एक ही स्पोर्ट स्टेडियम है जिस आ, पैटर्न का वो होना चाहिए था उस तरह से नहीं है लेकिन जो सरकार ने बाकी जगहों पे स्पोर्ट्स के लिए काम किया वो तारीफों के काबिल है लेकिन पहलगाम में मैं कहूँगा कि यहाँ पे उस तरह से नहीं हुआ हमारी यहाँ पे आपके सामने बिल्कुल आ, स्केटिंग रिंक बनी है यहाँ पिछले दिनों दो दिन पहले मैंने उसको उठाया था लाखों रुपया करोड़ों रुपया इस पर खर्च हुआ लेकिन ये फंक्शनल नहीं है तो इसको हम किस तरह से फंक्शनल कर सकते थे आर्टिफिशियल तरीके से हम जर्मनी से बाकी जगहों से जो इक्विपमेंट ला सकते थे हम इसको फंक्शनल कर सकते थे यहाँ पे ये चल सकती थी क्योंकि हम विंटर में जब गुलमर्ग पे सारा प्रेशर डालते हैं बाकी जगहों पे डालते हैं तो हम डाइवर्ट कर सकते हैं इन चीज़ों को अगर हम पहलगाम में चीज़ों को बेहतर बनाए जिस तरह से यहाँ पर ये वाल बनाया गया है जवहर इंस्ट्यूट ने इसी तरह से इस रिंग को ठीक करने की ज़रूरत है और चीज़ों को ड्रैग लिफ्ट यहाँ का है बिल्कुल जब बर्फ़ होता है फिर हमें केबल कार वालों को हज़ार बार फ़ोन करना पड़ता है कि मेहरबानी करके इसको चला यहाँ के बचे सीखे मेरा कहने का मतलब है कि पहलगाम में भी आप विंटर की विंटर टूरिज्म की एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दीजिए ताकि जो प्रेशर आपका और जगह पर जाता गुलमर्ग पर जाता है जहाँ पर होटल भी नहीं मिलते जहाँ पर चालीस चालीस हज़ार का होटल मिलता है और लोग भी नहीं आते फिर यहाँ तो डाइवर्ट हो जाए चीज़ों को भी मैनेज किया जा सकता है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सकता है जहाँ तक पहले पहले हमारे लोगों को 180 रुपए जो फीना एक महीने में बिजली बिल आती थी आप तो ऐसी ऐसी बात हो चुकी है कि के सौ साढ़े तीन, तीन से लेकर जो जो बड़े लोग हैं उनको तो हज़ार तक 900 तक बिल आती हैं आप हम पे कुछ फजल व करम करें कि जो हमारे पे ये चल रहा है इसको कम कर देंटिटी रोड कनेक्टिशाइस बिल्कुल कमज़ोर राम टू पहलगाम याजी रोड़ी। रोड़ी ही तारकी के चाहे तो या क्या तो अगर हम ड्रग्स की बात कर रहे हैं मुझे नहीं लग रहा है कि अगर आज से पहले साठ पर्सेंट या अस्सी पर्सेंट ड्रग्स चल रहा है मुझे आज लग रहा है एक सौ दस पर्सेंट ड्रग्स चल रहा है हमारे मुल्क में जब तक गवर्नमेंट खुद नहीं चाहेगा कि ड्रग्स रोक सके तब तक मुझे नहीं लगता है कि हाँ रोक सकते हैं जो हमारी रोड दो में निकले थी पी एम जी एस वाई के तहत नए नई टेक्नोलॉजी निकला था वो वो बिल्कुल उसका खस्ते है जो हमें तीन चार किलोमीटर कंधे पे उठाकर कोई मार्केट पड़ता तो चार किलोमीटर कंधे पे उठाकर वो गांव मेन रोड पे लाना पड़ता है और पी एम जी पी एम जी रोड वाई जो उसका मुआवजा अभी आज तक लोगों को नहीं मिला है एजुकेशन की जबरदस् पॉलसी हाँ, एजुकशन ते तुजान असल यदारे पंच सरपच आज पीन डूटी गकूलन मिशन रिजल्ट क्या बचन दि नजर क्या अत मचन सरप मुबारक यकूलन मिड डे क् पकान क्थ क्थपण ग ग तत्त क्यों इक्र सान गौरमेंट क

सरपंच पांचन अजर थवन गरीबस क्या चाहिए सनन ये जो दे, 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 दो तीन साल से देख रहे हैं कि ई बिल्कुल पीछे लगी हुई है हर किसी क्रप्ट के सिस्टम के ये पीछे और इसमें जो है यानी कि रोज़ ब रोज़ जो है बेहतरी आ रही है और इसमें और भी जो है बेहतरी बेहतर करने की ज़रूरत पड़ेगी और अगर हम बात करेंगे आ, पूरे ये सिस्टम बेहतर की तो अभी भी कुछ खामियाँ हैं जिन पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है जो फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं यहाँ हम अपने पहलगाम की बात करेंगे तो यहाँ पर भी हमें चाहिए कि सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हॉस्पिटल है उसी तरह से यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है यहाँ पे आ, कभी कभी भी ये ज़रूरत पड़ती है हमें इसलिए हमें स्पेशलिस्ट्स होने चाहिए, हमें सर्जन होने चाहिए, एन होने चाहिए, ऑपथोलमस्ट होने चाहिए, ताकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकते हेल्थ के बारे में अगर कहें तो हेल्थ में बहुत कुछ हुआ और खासकर इन ही सालों में कि जैसे गोल्डन कार्ड सर ने बताया था इसी तरह आप जो जचगी की तरह जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं या मतलब न्यूट्रिशन का मामला होता है वो बच्चों के लिए तो उसमें जो अवेयरनेस हो रही है तो इसके साथ साथ ये फैसिलिटीज़ भी होनी चाहिए ताकि मतलब उसकी वजह से किसी की मौत ना हो जाए इसमें तो बहुत सुधार हुआ है आज तक हेल्थ में लेकिन और भी यहाँ पे मतलब चाहिए उसके लिए फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि रेफर ना करना पड़े पेशेंट पहलगाम में होना चाहिए और मतलब तहसील हेड क्वार्टर में तो हम ये आड़ू एक गाँव है उसमें सत्तर साल से कोई डॉक्टर कोई हस्पताल नहीं था तो इन तीन साल में वहाँ हस्पताल बन गया और इतनी ज़रूरत उसमें हमको चाहिए उसमें डॉक्टर नहीं है और वहाँ से पूरा विंटर में दस फुट बर्फ़ पड़ती है वहाँ से हमको कंधे पर उठा के पहलगाम तो बीमार लाना पड़ता है तो उसमें हमको डॉक्टर चाहिए और हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो बहुत कुछ हुआ है जैसे कि आप बोल रहे हैं कि पिछले तीन साल में बहुत कुछ हो रहा है हुआ है लेकिन बहुत कुछ करने की ज़रूरत है क्योंकि अभी तो हम देख रहे हैं कि जो भी आज डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट हैं वो अच्छी तरह से काम कर रहा है लोगों को वो बिल्कुल वही सुविधाएं दे रहा है सर्विसेज दे रहा है बहुत अच्छी तरीके से जैसे कि हेल्थ का मैं बात करूं चाहे और कोई डिपार्टमेंट हो लेकिन गवर्नमेंट को और भी बहुत कुछ करने की मतलब ज़रूरत है देखिए जब से पंचायत हल आया पंचायत पंचायत राज आया पंचायत की बेसिस पे हमें करप्शन हम ऑलरेडी हमारे यहाँ से करप्शन दूर हो चुकी है क्योंकि जब हमें कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे कुछ भी हो हम अपने सरपंच साहब से रायता करते हैं कि हमारे सरपंच साहब हमें हमारे इस दरखास्त को पूरा कीजिए वो खुद ही जाता है खुद ही लेता है हमें ना ऑफिस जाने की ज़रूरत पड़ती है ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ज़, तब से पिछले तीन सालों से जब से ये ऑनलाइन सिस्टम हुआ और तभी से हमें चेंजेस बहुत सारे मिले कि हम सब लोग यहाँ के जो गुजर हैं या कश्मीरी हैं तो सब बेरोज़गार हैं इनमें तो कम से कम हंड्रेड परसेंट में दस परसेंट मुलाजम और नमे परसेंट है जो वो अपने कारोबार में मजदूरी में मतलाए है उसके बावजूद मैं ये कहना चाहता हूँ कि अनंतनाग से जो आशम काम है आशम काम से आगे अनंतनाग में दिन में तीन और चार या पाँच टाटा गाड़ियाँ जो जा रही हैं लेकिन यहाँ हमारे पहलगाम में आगे मैंने कुछ देखा था कुछ महीनों में कि एक बस सर्विस था जो सुबह नई बजे से यहाँ से पहलगाम से अनंतनाग जाती थी लेकिन आप भी मैं देख रहा हूँ कि मुझे नौ बजे भी मैं आप देख रहा हूँ वहाँ पर गाड़ी कोई नहीं है क्योंकि जो हमारे गरीब लोग के उनको सौ सौ रुपया यहाँ से भर का अनंतनाग जाना पड़ता है कोई बीमार है कोई मज़ूरा है कोई कुछ है इसलिए मैं प्लीज़ आप साहब से गुजारिश करता हूँ कि हमें यहाँ पे अगर बस सर्विस नहीं तो टाटा बस सर्विस हमें दीजिए क्योंकि यहाँ के लोग बहुत मुश्किल में हैं क्योंकि आज तो यहाँ पे अगर आ, आ, पहले यहाँ से आशम काम तो तीस रुपया किराया था अब तो पचास रुपया है तो जो मजूरा दिन में दो सौ कमाई करेगा वो रात को अगर मज़ूरी के लिए जाएगा सौ रुपया उसको किराया देना पड़ता है प्लीज़ मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारी इन मुश्किलों पर हल करें एजुकेशन पॉलिसी जो है अभी जो गवर्नमेंट लाए हैं ट्वेंटी ट्वेंटी पॉलिसी जो है वो बहुत बेहतर है बच्चों के लिए तो बहुत बेहतर है लेकिन जिस जिस हद तक वो पहुँच गई है हमें उससे बेहतर करने की बहुत बहुत ज़रूरत है डेवलपमेंट हुई है एनएचएम की लिहाज से अगर हम देखेंगे जो नेशनल हेल्थ मिशन आया है उससे बहुत फ़र्क पड़ गया उससे बेहतरी आई है जो कि फार फ्लंग एरियाज़ में ये पहुंच सका मेडिकयर पहुँच सका जो ये आशा वर्कर्स है वो जाते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं इंटीमेट करते हैं कि आपको ये करना है वो करना है प्रेग्नेंट लेडीज़ के पास जाते हैं उनको कहते हैं कि आपको यहाँ जाना है वहाँ करना है अब यही ज़रूरत तो इस बात की है कि अब ये जो ये मैटर्निटी का हॉस्पिटल है ये होना चाहे लगभग हर एक तहसील में होना चाहिए क्योंकि हमारा जो ये हॉस्पिटल है अनंतनाग में डिस्ट्रिक्ट लेवल में एक ही है तो वहाँ पे ज़्यादा रश पड़ता है तो हमें फिर बहुत सी प्रॉब्लम होती है ये होना चाहिए कि कम से कम एक तहसील में एक हॉस्पिटल अलग होना चाहिए इनके लिए जो लेडीज़ के लिए ये होना चाहे अलग तो मैटरनिटी हॉस्पिटल की ये ज़रूरत है अशद ज़रूरत है ऑनलाइन सर्विसेज हुई सर उसकी वजह से हम देखते हैं कि ऑनलाइन ये सर्विसेज होने की वजह से बहुत सारा जो ये करप्शन होता था उस पर कंट्रोल हुआ लेकिन सर और भी हर कोई मतलब फैसिलिटी जो होनी चाहिए ऑनलाइन ही होनी चाहिए तो तकरीबन ठीक हो जाएगा सब लेकिन हुआ करप्शन पे कंट्रोल हुआ हम हेल्थ डिपार्टमेंट से ही हैं हमें प्रधानमंत्री गवर्नमेंट ने बहुत से सारे स्कीम्स प्रोवाइड किए हैं जैसे कि हमारे ए पेशेंट आते हैं उनको हम सारे टेस्ट फ्री में करवाते हैं आफ्टर जब उनकी डिलीवरी भी होती है उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं जो भी उनको टेस्ट वेस्ट वगैरह और भी कोई स्कीम्स होते हैं हम उनको प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट जो हमें प्रोवाइड करती है हम लोगों तक पहुँचाते हैं उन स्कीम्स का फ़ायदा आप भी उठा दो बहुत अच्छी हैं आज हम देख रहे हैं कि बहुत चेंज आ गई है एजुकेशन डिपार्टमेंट में क्योंकि एजुकेशन ही वो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि वो जगह है जहाँ से हमारा चाहे डॉक्टर हो इंजीनियर हो मिनिस्टर हो कोई भी जो लोगों की खिदमत करे बाद में लेकिन वो इसी स्कूल से निकलता है लेकिन आज तो हम बहुत कुछ देख रहे हैं जैसा कि पहले नहीं था पहलगाम का बिशिंदा हूँ यहाँ से आगे नौ किलोमीटर तो पहलगाम के साथ हूँ लेकिन मैं ये खुशमंद हूँ इस किस्मत से मैं ख़ुशी का इज़हार करता हूँ कि पहले तो हमारे जो भी बच्चे स्कूल जाते थे तो उनको दूर दूर जाना पड़ता था लेकिन आज के दौर में ऐसा हुआ है कि हर गांव में स्कूल बनी हुई हैं और बच्चे अच्छी तलीम पढ़ रहे हैं उसके बावजूद हमारी यही गुजारिश है कि हमारे जो पहलगाम में अस्पताल बना है हॉस्पिटल मैं गुज़ारिश करता हूँ डॉक्टर डॉक्टरों से भी गुज़ारिश करता हूँ कि कोई भी बीमार है उनको पूरा तावन दीजिए और उनका ख्याल कीजिए और मैं यही गवर्नमेंट से अर्ज़ करना चाहता हूं कि यहां पे लबैट्री टेस्ट जो भी हो यू है वो सब दस्याब होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर टूर्सट भी आता है यहां पे यहां का बशिंदा भी आता है यहां पे कोई भी आ सकता है लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो पीछे हो चुका है वो हो चुका है जो तीन सालों में से बहुत अच्छा यहाँ पे टूरिस्ट भी आ रहा है और यहाँ पे डॉक्टर भी अच्छे बैठे हुए हैं और मैं यही गुजारिश करता हूँ कि यहाँ हमारे पहलगाम में जो अस्पताल बना हुआ है इसमें पूरा ध्यान दीजिए और यहाँ पे जो भी लोग है चाहे वो बाहर से आ रहा है या यहाँ से आ रहा है कि यहाँ के जो बीमार है उसको अनंतनाग जाने की ज़रूरत ना पड़े यहाँ का जो बच्चा है उसको कहीं भी दूर जाने की ज़रूरत अस्पताल में ना पड़े यहाँ पे यू और टेस्ट और मेडिकल जो भी दवाइयों की दुकानें हैं उन पर पूरा तान कीजिए रिसेंटली ये इलेक्शनज़ हुए तकरीबन सर तो उसमें भी देखने में आया कि रिज़र्वेशन है वमेनज़ के लिए तो इसी तरह अब जब उनकी हुकूमत लोकल गवर्नमेंट होती है पंचायत तो उसमें उनकी जो रिज़र्वेशन है साफ ज़ाहिर है कि हर किसी जगह पे उनको अपनी रिज़र्वेशन मिल रही है और जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आजकल हम देखते हैं कि जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है उस पर बहुत काम हो रहे हैं और बहुत तोजह बेटियों की तरह हो रही है तो इस साफ ज़ाहिर है कि आज तो हम देखते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट कितना तोल पकड़ता जा रहा है पहलगामच कत करो पहलगामच यम से पहलगाम मरकज अत पंदा वुभग अंदो वो युच् पसमानद बाग च न आई तचार पहलगाम सत्त पट अजुक तान् कहब रूदम तिथी इन निकर वर हालांकि कमरे तुम्न तबरदस् सख्ती इम्न तु प शु नाय हाँ कहें यदि खतर तरमेंट आसान तरीक़ुन वह दपान एन ी एन लरीब नफर हो सी अड नफर यह ह्रे किपार्ट लकुट च हकान अन कहूहन वर्न मकान रोजान बिचारस इतना गौरमेंटस अबरदस्त तोजह दूँ साउथ कश्मीर में देखा जाए तो इसी से साफ जाहिर है कि हम बहुत सारे रिप्रजेंटवस जो हैं आजकल तो उनमें उनकी अच्छी खासी नुमाइंदगी है और इसी तरह जितने भी मतलब तैलीमी लिहाज से देखें बड़े बड़े अहदों पर फॉइज है अरतें तो इसे भी ये जाहिर होता है कि अवरतें अपोजिशन पकड़ती जा रही है पंचायत में तो सार यही हुआ है कि पहले तो हम ऐसे थे कि हमें जाना पड़ता था दूर दूर जाना पड़ता था डीसी के पास जाना पड़ता था ब्लाक पे जाना पड़ता था अब तो शिक्र है अल्लाह का को जो हमारे आगे डी से मैदवार हैं या तो पंचायती में जो सरपंच हैं वो हमारा ईमानदारी से काम कर हैं रूबरू का आज का शुमारा यहाँ पर अखता को पहुँचता है हमारे प्रोग्राम को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो या कोई भी राय आ रहा हो तो आप भी हमें हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भेज सकते हैं जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं तो दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत शब ब